हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिल्म डायरेक्टर के लिए और एडिटर के लिए। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हो क्या रहा है कि आजकल हाई डेफिनेशन कैमरा लगभग हर किसी के हाथ में है, तो हर कोई शूट करके प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारी खामियाँ रहती है, उनमें से सबसे बड़ी खामियाँ हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी दोस्तों वो है जिसके बगैर एक फिल्म फिल्म नहीं कहलाएगा, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। और यही वजह है बहुत सारे जो शॉर्ट फिल्म बना के भेजते हैं रिजेक्ट होते हैं। इसके पीछे यही वजह है कि कंटिन्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। या तो फिल्म डायरेक्टर को कंटिन्यूटी की समझ नहीं है, फिल्म एडिटर को कंटिन्यूटी की समझ नहीं है, इन दोनों में से कोई एक वजह जरूर होगा। दोस्तों कंटिन्यूटी अपने आप में एक विशाल टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से आसान तरीके से समझाने का मकसद है, इसीलिए इसको आसान तरीकों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप फिल्म देख रहे होंगे, चाहे वो पुराना फिल्म हो, चार दशक पहले का फिल्म हो या कल रिलीज हुआ फिल्म हो, हर फिल्म में ये ग्रामर रहता ही रहता है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी यानी कि एक सीन को हम लोग एक शॉट में शूट नहीं करते हैं, उसको कई सारे मल्टीपल शॉट्स में शूट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक चेजिंग का सीन है, एक चोर कार लेके भाग रहा है, उसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये शूट हो रहा है एक शहर की गलियों में। तो होगा क्या कि पहले शॉट में क्या हुआ कि कार जो है हम लोगों ने दिखाया स्क्रीन का लेफ्ट से राइट जा रहा है, और दूसरे शॉट में हम दिखा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी लेफ्ट से राइट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चोर कार लेके भाग रहा है उसके पीछे पुलिस है। लेकिन अगर सेकंड शॉट को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे कि पुलिस का गाड़ी जो है वो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ स्क्रीन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चोर तो भाग रहा है लेकिन उसको पता नहीं उसके सामने से पुलिस आ रही है। दोस्तों आप ये फर्क समझ पा रहे हो? पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले में क्या हुआ कि चोर कार लेके भाग रहा है, हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं शॉट में कि कार जो है वो स्क्रीन का लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड जा रहा है। फिर अगला शॉट में हम लोग दिखा रहे हैं पुलिस की गाड़ी स्क्रीन का लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चोर का गाड़ी है इसको पुलिस वाले चेज कर रहे हैं। अब मैं अलग तरीके से शूट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि पहला शॉट मैंने दिखाया कि चोर कार लेके भाग रहा है, स्क्रीन का लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड उसकी कार जा रही है, और सेकंड शॉट में मैं दिखा रहा हूँ कि पुलिस की जो गाड़ी है वो स्क्रीन का राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चोर को पता नहीं कि सामने की तरफ से भी पुलिस उसको पकड़ने आ रही है। दोस्तों आप ये फ़र्क समझ रहे हो? इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपने ये प्लान किया रहेगा स्क्रिप्ट में, अब शायद ऐसा रहा होगा कि चोर की गाड़ी को पुलिस की टीम चेज कर रही है, ना कि सामने से आके पकड़ रही है। तो ऐसी सूरत में आपको पहला शॉट तो दिखाओगे कि लेफ्ट से राइट जा रहा है चोर का गाड़ी, लेकिन पुलिस का गाड़ी जो है वो भी लेफ्ट से राइट जा रहा है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, पुलिस का गाड़ी राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ही बदल गया, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अभी सीन को इस तरह लेते हैं कि चोर कार लेके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है। यानी कि जो सेकंड शॉट होगा उसमें क्या होगा कि पुलिस की गाड़ी भी स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड शॉट में आते हैं। थर्ड शॉट में हम दिखा रहे हैं कि चोर का गाड़ी एक गली के अंदर घुसा और वो कार स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि शायद ये एडिटर का गलती था या फिर डायरेक्टर का गलती था, उन्होंने क्या किया, ये शॉट ले लिया फोर्थ वाला शॉट, पुलिस की गाड़ी स्क्रीन का राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मीनिंग बदल गया है ना दोस्तों, आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि चोर तो कार लेके गली के अंदर घुसा है लेकिन पुलिस वाले सामने से आ गए, ये कैसे हो गया? ये एक जग पैदा करेगा ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट शॉट चोर की गाड़ी स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जा रहा है, सेकेंड शॉट पुलिस की गाड़ी स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट जा रहा है, थर्ड शॉट चोर का गाड़ी एक गली के अंदर घुसा और ये स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट जा रहा है, फोर्थ शॉट में भी पुलिस का गाड़ी गली के अंदर घुसेगा और स्क्रीन का लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएगा, तभी ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। समझे अभी? तो अगर ये ग्रामर मिस रहा तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान देगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इस तरीके का ग्रामर मैटर करता है फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए और एडिटर बनने के लिए। कई बार क्या होता है कि फिल्म डायरेक्टर ने गलती से दिखा दिया कि चलो फोर्थ वाला शॉट में पुलिस की गाड़ी स्क्रीन का राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसको एडिटर को रेक्टिफाई करना होगा। वो एडिटिंग में रेक्टिफाई करते हैं अगर उनको अपनी जिम्मेदारी पता हो, उनको इस एडिटिंग क्राफ्ट की समझ हो। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टॉपिक है फिल्म डायरेक्शन और एडिटिंग में। ठीक है,
दोस्तों कंटिन्यूटी कितने प्रकार के हैं? काफ़ी प्रकार के हैं, लेकिन ब्रॉडली पांच प्रकार के हैं। पहला है डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। जो कैरेक्टर है मूव कर रहे हैं वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो बाकी सारे शॉट्स में लेफ्ट साइड से राइट साइड ही जाएंगे। अगर मान लो ऐसा कोई नौबत आया, ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कैरेक्टर को ये दिखाना है कि वो स्क्रीन का राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमें एक हेड ऑन शॉट इस्टेब्लिश करना होगा जहाँ पे वो डायरेक्शन बदल रहा है, तभी जाके वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। नहीं तो हमें कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है। एक सीन को हम लोग कई सारे शॉट्स में शूट करते हैं, अगर पहले शॉट में एक किरदार स्क्रीन का लेफ्ट से राइट तरफ मूव कर रहा है तो बाकी सारे शॉट्स में भी वो लेफ्ट से राइट तक मूव करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनल कंटिन्यूटी। सेकेंड कंटिन्यूटी है फिजिकल कंटिन्यूटी, या फिर जिसे एक्शन कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक किरदार बैठ के चाय पी रहा है, डायरेक्टर ने पहला शॉट एस्टेब्लिश किया मास्टर शॉट, लॉन्ग शॉट जिसमें एक किरदार बैठ के चाय पी रहा है। सेकेंड शॉट में हम क्लोज में दिखा रहे हैं कि वो किरदार चाय पी रहा है। अब यहाँ पे एडिटर का काम यह है कि वो जब लॉन्ग शॉट से क्लोजअप जाएगा तो लॉन्ग शॉट में अगर चाय का कप उसके हाथ में जो है वो अगर आधे रास्ते तक आ चुका है, मुंह के पास आ चुका है, तो क्लोजअप में भी वो मुंह के पास आना आवश्यक है। ये हो गया फिजिकल कंटिन्यूटी या फिर जो एक्शन कंटिन्यूटी। मान लीजिए दो किरदार बात कर रहे हैं, एक किरदार का हाथ सर पे है लॉन्ग शॉट में, और जब हम लोग क्लोजअप में जाएंगे तो उसका हाथ सर पे होना आवश्यक है। ये जिम्मेदारी होता है एडी का, नज़र रखना कि एक्टर प्रॉपर कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है या नहीं। अगर आप कई सारे फिल्म एक्टर के इंटरव्यू सुने होंगे, हाल ही में एक सुपरस्टार ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन दिनों फिल्म शूटिंग के दौरान कंटिन्यूटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज ये मैटर करता है कंटिन्यूटी। बगैर कंटिन्यूटी आप मेंटेन किए हुए अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये हो गया फिजिकल कंटिन्यूटी एक्शन कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी ऑफ लुक, दोस्तों जब हम लोग एक सीन शूट करते हैं तो उसको कई सारे शॉट्स में शूट करते हैं। मान लीजिए पहला एक शॉट में एक किरदार स्क्रीन का लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ देख रहा है, जब हम लोग क्लोजअप में जाएंगे अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा हो या फिर राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ देख रहा हो या फिर उसका लुक बदल गया हो तो वो एक जर्क पैदा करेगा। तो ये भी एक जिम्मेदारी बनता है कि कैरेक्टर लुक मेंटेन करना, कंटिन्यूटी मेंटेन करना। पहले शॉट में कैरेक्टर किस तरफ देख रहा था, सेकेंड शॉट में भी उसी तरफ देखना है, थर्ड शॉट में भी उसी तरफ देखना है। मान लीजिए कैरेक्टर को जो लुक है वो चेंज करना है तो मिनिमम एक शॉट में इस्टेब्लिश करना होगा कि उसने लुक चेंज किया हुआ है, तभी जाके वो स्मूथ रहेगा, नहीं तो जर्क पैदा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कंटिन्यूटी लुक के बारे में। तीसरा, कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट। मान लीजिए एक किरदार चलते हुए जा रहा है स्क्रीन के लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ, ऐसी सूरत में अगर आप मास्टर से लॉन्ग शॉट से क्लोजअप जाओगे तो हमें वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है कि वो उसी दिशा में अभी मूव कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर शॉट को लाइब्रेरी के अंदर शूट करते हैं, एक पर्टिकुलर शॉट को दूसरे स्टूडियो में शूट करते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी का सेटअप लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक रहता है कि जो मूवमेंट है उसमें कंटिन्यूटी ना रहे। तो ये जिम्मेदारी रहता है फिल्म डायरेक्टर का, चीफ एडी का, फर्स्ट एडी का, ये मॉनिटर करना कि पहले शॉट में कैरेक्टर का मूवमेंट क्या था, उसके हिसाब से सेकंड शॉट में मूवमेंट रखे ताकि जब एडिटर एडिट करे तो उनको वो स्मूथ एडिट करने के लिए मिल जाए, कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट रखने के लिए मौका मिल जाए। ये जिम्मेदारी होता है फिल्म डायरेक्टर का, चीफ एडी का, फर्स्ट एडी का। ठीक है दोस्तों, और एक प्रकार का कंटिन्यूटी है वो है कन्वेंशनल कंटिन्यूटी। कन्वेंशनल कंटिन्यूटी क्या है कि दोस्तों देखिए, आज के तारीख में ऑडियंस को अच्छी तरीके से पता है ज्योग्राफिक रीजन के बारे में। मान लीजिए एक किरदार जो है वो मुंबई से कोलकाता जाता है, फ्लाइट टेक ऑफ करता है, तो ऐसी सूरत में जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगा एक जगह पर तो उसका जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन का लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ रहना आवश्यक है, क्योंकि मैप में वेस्ट की तरफ है मुंबई और ईस्ट की तरफ है कोलकाता। ये कंटिन्यूटी का ध्यान रखना होगा क्योंकि कई सारे अलग अलग शॉट्स रहेंगे। पहला शॉट रहेगा कि फ्लाइट टेक ऑफ किया और स्क्रीन का लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ बढ़ रहा है, बीच में एक शॉट रहेगा कि फ्लाइट आसमान में उड़ रहा है, तब फ्लाइट का जो दिशा है वो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ रहना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जब फ्लाइट लैंड करेगा तब भी फ्लाइट का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ रखना आवश्यक है, तभी जाके ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ऑडियंस को अच्छी तरीके से पता है कि मुंबई किस तरफ है, कोलकाता किस तरफ है। ये इसको कन्वेंशनल कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पांच प्रकार की कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, फिजिकल एक्शन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ लुक, कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट, कन्वेंशनल कंटिन्यूटी। दोस्तों आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, ऐड हो, डॉक्यूमेंटरी हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कंटिन्यूटी का।
और एक प्रकार का कंटिन्यूटी मैं आपको बता देता हूँ जो हालांकि फिल्म डायरेक्शन ग्रामर में नहीं आता है, वो है कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी। कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी यानी कि एक किरदार ने एक शॉट में एक वॉच पहना हुआ है, दूसरे शॉट में वो भूल जाते हैं पहना, तो वो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी के तहत आता है। एक शॉट में किरदार ने कैप पहना हुआ है, दूसरे शॉट में वो कैप पहना भूल गए, तो ये भी आता है कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी के तहत। एक शॉट में एक किरदार ने शॉट के सारे बॉटम बंद करके रखे थे लेकिन दूसरे शॉट में दो बटन खुले हुए हैं, तो ये भी कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी में आता है। तो ये फर्स्ट एडी सेकेंड एडी का जिम्मेदारी है कि इन तरीके की चीज़ों को नज़र रखना, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी भी एक अहम हिस्सा है लेकिन ये फिल्म डायरेक्शन ग्रामर के तहत नहीं आता है। एनीवेज, ब्रॉडर सेंस में कंटिन्यूटी पांच प्रकार के हैं: डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, फिजिकल एक्शन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ लुक, कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट, कन्वेंशनल कंटिन्यूटी। इसको अच्छी तरीके से जानिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़िए, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे ये आपको मदद करेगा, और ज़्यादा मेहनत करिए, सही तरीके से सीखिए। दोस्तों मैं हमेशा आपको इस बात के ऊपर जोर देता हूँ, हार्ड वर्क करिए लेकिन हार्ड वर्क सही दिशा में करिए। जो जो बातें इंपॉर्टेंट है फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए उसको जानने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं अगर आप फिल्म स्कूल नहीं जा पाए, कोई बात नहीं अगर आपके पास एक फाइनेंशियल इश्यू है, आपके पास सीखने के लिए समंदर जितना विशाल नॉलेज है, जितना ज़्यादा गेन करोगे ये आपको उतना ज़्यादा अच्छा फिल्म मेकर बनने में मदद करेगा। दोस्तों याद रखिए, कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए और एडिटर बनने के लिए। फिल्म डायरेक्टर अगर सेट पे गलती करते हैं, मान लीजिए जिस तरीके का शॉट चाहिए था कंटिन्यूटी के हिसाब से उस तरीके का शॉट उन्होंने नहीं लिया, ये एडिटर का जिम्मेदारी बनता है कि पोस्ट में इसको रेक्टिफाई करें। अगर एक एडिटर को आप हायर करते हो जिसको कंटिन्यूटी के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो पूरा प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर देंगे। जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो तो इस बात का खास ध्यान रखो, जितने सारे अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म हैं उसमें कंटिन्यूटी का स्पेशल ध्यान रखा गया है। अगर आप चाहते हो कि आपका शॉर्ट फिल्म एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में लोगों की नज़र में आए, अवार्ड जीते, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की नज़र में आए, तो कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसी तरीके के और सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ मिलूंगा। थैंक यू दोस्तों।